हाय दोस्तों, A4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ब्लूटूथ से ऐप को शेयर करना चाहते हैं या फिर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेजना चाहते हैं तो कैसे भेजते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। या फिर आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं या फिर कोई सा भी एप्लीकेशन, आप प्ले स्टोर, जो भी आप भेजना चाहते हैं, ऐप को कैसे भेजते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करेंगे और आपको सिखाएंगे। तो जो भी मोबाइल, आपको पहला अपना मोबाइल में क्या करना है, अपने मोबाइल में सबसे पहले आपको अपना नेट ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है और जैसे आप ओपन कर लेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह इंटरफेस अब आपको दिखेगा। अब आपको यहाँ पे सर्च बार मिलेगा प्ले स्टोर में और यहाँ पे आपको टाइप करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम यहाँ पे टाइप आपको दिखाते हैं, APK आपको लिखना है, APK लिखने के बाद स्पेस दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है शेयर, क्योंकि हमें शेयर करना है तो यहाँ पे शेयर लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे शेयर ब्लूटूथ लिख देना है और उसके बाद प्ले स्टोर में सर्च कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे प्ले स्टोर में सर्च करेंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस दिखेगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, जो भी आपने यहाँ पे APK शेयर ब्लूटूथ, इसे आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद इसे हम डाउनलोड करते हैं। उसके बाद जो भी आप ऐप को भेजना चाहते हैं आप आसानी से भेज सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं और इसे डाउनलोड होने देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये डाउनलोड अभी नहीं हुआ है और 97% हो चुका है और आपका नेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका नेट फास्ट चलता है तो आपका भी यहाँ पे जल्दी हो जाएगा। तो मेरा हो चुका है डाउनलोड। अब यहाँ पे हम जो लिखा हुआ है ओपन, इस पे हमें क्लिक करना है दोस्तों। जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे आपको सामने कुछ इस तरह इंटरफेस दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो भी आपने ऐप को इंस्टॉल करके रखेंगे अपने फ़ोन में यहाँ पे शो होता है। अब जो भी एप्लीकेशन को आप भेजना चाहते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप, बिजनेस व्हाट्सअप, जो भी आप एप्लीकेशन को भेजना चाहते हैं वो आप आसानी से यहाँ से आप भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको भेज कर दिखाता हूँ कैसे आप को सेंड करना है। तो जैसे कि मैं जो व्हाट्सअप भेजना है, दूसरे फ़ोन में व्हाट्सअप नहीं है तो सिंपली हम व्हाट्सअप पे इस तरह से क्लिक करके रखेंगे और उसके बाद तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस पे जो भी एप्लीकेशन को आप भेजना चाहते हैं या फिर शेयर करना चाहते हैं तो इस पे ऐप को हम इस पे क्लिक करके रखेंगे। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे तो आपको एक ऐसा निशान हरियर बनकर आ जाएगा, ये हरा कलर का, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऐसा बन के कुछ आएगा। तो यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है सेंड शेयर, इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस दिखेगा दोस्तों। अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे अपना जो ऐप है वो उसे ब्लूटूथ के थ्रू हम भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे ब्लूटूथ पे क्लिक करेंगे और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये सर्चिंग करेगा, जो भी आपने आपके आपके दूसरे फ़ोन में ब्लूटूथ होना चाहिए और उसमें आप ऑन कर लीजिएगा। और आपके दूसरे फ़ोन में ब्लूटूथ के सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे सेटिंग में जब जाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपका नाम डिवाइस का, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे, आपका हो जाएगा दोस्तों। तो इससे आप ऐप को शेयर कर सकते हैं और आपका जाना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर